नमस्कार आदाब, मेरा नाम फैसल है और आप देख रहे हैं P3 न्यूज इंडिया। आज देश के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली का निधन हो गया। उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती किया गया था और आज 12:07 में उनका निधन हो गया। एम्स ने एक बयान जारी कर कहा कि वे बेहद दुख के साथ सूचित कर रहे हैं कि 24 अगस्त को 12:07 पर माननीय अरुण जेटली अब हमारे बीच नहीं रहे। वह 66 साल के थे। 9 अगस्त को सांस लेने में तकलीफ के बाद अरुण जेटली को एम्स में भर्ती कराया गया था। अनुभवी डॉक्टरों की टीम की देखरेख में उनका इलाज किया जा रहा था। अरुण जेटली के पार्थिव शरीर को आज ही उनके ही निवास स्थान दिल्ली के कैलाश कॉलोनी पर लाया जाएगा। जेटली के पार्थिव शरीर को रविवार सुबह 10 पार्टी दफ्तर में लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। रविवार को ही दोपहर 2 निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त विदेश के दौरे पर हैं। अरुण जेटली के निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात से जेटली के परिवार से बात की। पीएम मोदी ने अरुण जेटली की पत्नी और उनके बेटे से बात की और संवेदना जाहिर की है। पीएम मोदी ने कहा कि अरुण जेटली के निधन के साथ ही उन्होंने एक अनमोल दोस्त खो दिया है। राजनीतिक में उनके समानांतर बहुत कम लोग होते हैं। उन्होंने अच्छा जीवन जिया और अपनी अनगिनत यादों के साथ हमें छोड़ गए। हम उन्हें याद करेंगे। निधन पर सोनिया गांधी ने भी जताया शोक। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अरुण जेटली के असामयिक निधन पर गहरा दुख और पीड़ा व्यक्त की है। उनकी मृत्यु पर शोक जताते हुए उन्होंने कहा कि जेटली ने एक सार्वजनिक व्यक्ति, सांसद और मंत्री के रूप में एक लंबी पारी खेली और सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास बोले, उनके योगदान को देश हमेशा याद करेगा। अरुण जेटली जी के विचार सदैव हमारे मार्गदर्शन करते रहेंगे। उनकी शानदार भाषण शैली पक्ष और विपक्ष दोनों को मुग्ध करने की क्षमता रखती थी। देश के विकास में उनका योगदान सदैव याद किया जाएगा। आइए एक छोटी सी झलक उनके जीवन काल पर डालते हैं। अरुण जेटली जी का जन्म 28 दिसंबर 1952 को दिल्ली में हुआ था। उनके पिता का नाम महाराज किशन जेटली था, जो एक वकील थे, और जबकि उनकी माता का नाम रतन प्रभा जेटली थी। जेटली जी की स्कूली पढ़ाई दिल्ली के सेंट जेवियर स्कूल से हुई। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री ली और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही लॉ की डिग्री हासिल की। अरुण जेटली जी की पत्नी का नाम संगीता है। उनकी शादी साल 1982 को हुई। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम रोहन है और बेटी का नाम सोनाली। अरुण जेटली की बेटी और बेटा दोनों अपने पिता की तरह वकील हैं। आपको बता दें कि सेहत संबंधी समस्याओं की वजह से अरुण जेटली ने इस बार का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था। मई में जेटली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा था कि स्वास्थ्य कारणों से वो नई सरकार में कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। जेटली ने कहा था कि 18 महीनों से वे सेहत संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिस कारण से वह नई सरकार में कोई पद नहीं लेना चाहते। आखिरकार वे अपने जीवन काल को अंत करते हुए 12:07 उनका निधन हो गया। वह एक प्रखर नेता और कुशल रणनीतिकार के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। उन्होंने भारतीय राजनीति में कई बड़ी जिम्मेदारियां निभाई है। P3 न्यूज में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें। धन्यवाद।